अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं फैंग बटलर को अच्छे से डेकोरेशन करने को बोल रही थी क्योंकि आज उनकी कंपनी के सीईओ फौरन से वापस आने वाले हैं। तभी हमारे मेल लीड यानी मिस्टर क्याओ की एंट्री होती है जो फौरन से अपने बेटे के साथ वापस आया है। फैंग और असिस्टेंट उनका वेलकम करते हैं। फैंग कहती है बेबी मुझे आंटी बोलो, बट वो उसे इग्नोर कर रहा था। मिस्टर क्याओ कहता है तुम्हें कोई बुला रहा है? तो कहता है यस आंटी फैंग। और असिस्टेंट यंग मास्टर को ले जाने लगा था। टूटू कहता है डैडी के यहाँ पे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है। मिस्टर क्याओ हाँ करता है तो पूछता है डैडी के यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मिस्टर क्याओ उसे इग्नोर कर रहा था तो कहता है डैडी तो बहुत बुरे हैं। तभी उनकी गाड़ी रुक जाती है क्योंकि एक लड़की रोड क्रॉस कर रही थी। टूटू कहता है डैडी देखो कितनी सुंदर लड़की जा रही है, उस लड़की की फोटो तो आपके अलमीरा में भी है, डैडी देखो ना। मिस्टर क्याओ भी उसे देखने लग जाता है तो एकदम हैरान था। फिर हम 6 साल पहले देखते हैं मिस्टर क्याओ का उस लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड हो गया था। ये हमारी फीमेल लीड कनकन है जो पूछती है मिस्टर क्याओ आज हम कहाँ चलेंगे, और उसके क्लोज होने लगी थी तो मिस्टर क्याओ भी उसे दोबारा से किस करने लग जाता है। दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर दोबारा से नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मिस्टर क्याओ कहता है कार रोको, टूटू को घर छोड़ देना, और खुद गाड़ी से उतर के चला जाता है। इधर कनकन एक बार में अपने कुछ प्रोडक्ट बेचने आई थी बट वो लड़का उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है और कनकन को ही वाइन पीने को कहता है। कनकन पहले तो वाइन पी लेती है बट फिर टिश्यू से साफ कर देती है, बट उस लड़के को पता चल गया था कि कनकन ने टिश्यू से वाइन निकाल दी है। तू ये मुझे पागल समझ रखा है? कनकन जाने लगी थी बट वो पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। तभी वहाँ पर मिस्टर क्याओ की एंट्री होती है। वो तो एकदम हैरान थी, इनफैक्ट 6 साल पहले कनकन प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे लगता है कि मिस्टर क्याओ ने उसके बच्चे को मरवाया है, बट मिस्टर क्याओ उसे इग्नोर करके सीट पे बैठ जाता है। वो लड़का मिस्टर क्याओ को मक्खन लगाने लगा था और वाइन देने लगा था बट मिस्टर क्याओ कहता है ये लड़की मुझे सर्व करेगी, बट कनकन मना कर देती है कि मैं कोई वेटर नहीं हूँ। वो लड़का कनकन पे गुस्सा करता है तो मिस्टर क्याओ को भी गुस्सा आता है और कहता है गेट आउट। उस लड़के को लगा था कि वो कनकन को बाहर निकाल रहा है बट मिस्टर क्याओ कहता है तू गेट आउट। उन सबके जाते ही कनकन अपना सामान उठाने लगी थी। मिस्टर क्याओ कहता है तुम बार में आकर ये सब करती हो? वो कहती है ये मेरे बिजनेस है। तभी मिस्टर क्याओ का फोन आता है। टूटू कहता है डैडी आप कहाँ हो, जल्दी घर आ जाओ। मिस्टर क्याओ कहता है डैडी को थोड़ा टाइम लगेगा तो तुम बटलर से ले लो जो लेना है। कनकन को जब पता चलता है कि मिस्टर क्याओ का बेटा भी है तो वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। वो कहता है तुमने मुझे 6 साल तक इग्नोर क्यों किया? कनकन कहती है क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हारे ऑलरेडी बच्चे हैं तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मिस्टर क्याओ कहता है वो बच्चा तो मेरा, बट वो कहती है तमीज से पेश आओ और चली जाती है और मिस्टर क्याओ को उसका आई कार्ड मिल जाता है। तब उसे पता चलता है कि कनकन एक रिपोर्टर है। इधर कनकन को बॉस का मैसेज आता है कि तूने जल्दी से कोई अच्छी सी न्यूज ढूंढी है ना। कनकन अपने फोन में देखती है, उसके फोन में मिस्टर क्याओ की वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, तो सोचती है अच्छा है जब मिस्टर क्याओ के फौरन से आने की न्यूज रिलीज होगी तो ये हेडलाइंस बन जाएंगी। और नेक्स्ट डे ऐसा ही होता है। असिस्टेंट आकर मिस्टर क्याओ को बताता है कि किसी ने सीक्रेटली आपकी फोटो खींची है, आपके फौरन से आने की न्यूज वायरस की तरह फैल गई है, पता लगाऊं किसने किया है ये सब? मिस्टर क्याओ कहता है कोई जरूरत नहीं है मुझे पता है। तंदन कंपनी आती है तो उसकी बॉस उसे सुनाने लग जाती है कि तूने मिस्टर क्याओ के आने की न्यूज रिलीज क्यों की, अब एंटरटेनमेंट कंपनी में प्रॉब्लम हो गई है। कनकन कहती है मैंने वो वीडियो तुम्हें भेजी थी तो तुमने रिलीज की है, पहले खुद ही तुम्हें हेडलाइंस चाहिए थी और अब मुझ पे आरोप लगा रही हो। उसकी बॉस कहती है तो कुछ भी कर ले मिस्टर क्याओ तुझे छोड़ने वाला नहीं है। फिर तभी वहाँ मिस्टर क्याओ की एंट्री होती है और वो आते ही कनकन को उसका आई कार्ड वापस कर देता है। उसकी बॉस एकदम हैरान, कनकन अपना आई कार्ड डस्टबिन में फेंक के जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या तुम उससे गुस्सा हो? वो कहती है नहीं। तो कहता है तो फिर तुमने अपना आई कार्ड क्यों फेंका, तुम्हारा तो रिपोर्टर बनने का सपना था ना। वो कहती है तुम्हें मेरा सपना याद कैसे रह गया? मिस्टर क्याओ कहता है मैंने कहा था ना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। असिस्टेंट कनकन के लिए एंटरटेनमेंट कंपनी को बाय कर लो, तो असिस्टेंट चला जाता है। मिस्टर क्याओ कहता है 6 साल हो गए तुम मेरे पास वापस आ जाओ। वो कहती है 6 साल बीत चुके हैं और तुम्हारे ऑलरेडी बच्चे भी हैं तो मुझे जाने दो, बट मिस्टर क्याओ उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। इधर बटलर अपने हाथों से टूटू को खाना खिला रहा था बट टूटू तो मुंह फुला के बैठा था और खा ही नहीं रहा था। बटलर पूछता है यंग मास्टर बताओ आपको क्या चाहिए? टूटू कहता है 2 दिन हो गए आए हुए पर डैड मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं, मेरी मम्मी भी नहीं है और अब डैडी ने भी मुझे छोड़ दिया। बटलर कहता है ऐसा नहीं है, तुम्हारे डैड अभी काम में बिजी हैं। आंटी फैंग तुम्हारी मॉम जैसी तो है? टूटू कहता है पर डैडी ने बोला है कि आंटी फैंग मेरी मॉम नहीं है,
बटलर कहता है, आंटी फैंग की बड़ी बहन याओ तुम्हारी मॉमी तो है। टूटू कहता है, डैडी ने बताया कि आंटी याओ मेरी मॉम नहीं है। तब भी फैंग उसके लिए खिलौने लेके आ जाती है, तो वो खिलौने लेकर भाग जाता है। फिर बटलर और फैंग की बातों से पता चलता है कि मिस्टर क्याओ ने टूटू को अडॉप्ट किया है। मिस्टर क्याओ कानकन को ही देख रहा था और कहता है घर जाकर हम अच्छे से बात करेंगे। तभी कानकन को उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, जो कि बताती है कि जिस मैंगो कंपनी में तूने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था उसके लिए तो सिलेक्ट हो गई, इंटरव्यू देने आ जा। कानकन कहती है मुझे इंटरव्यू देने जाना है, हम बाद में बात कर लेंगे, और उतर के भाग जाती है। क्याओ मैंगो कंपनी में इंटरव्यू देने आती है पर वहाँ पर उसे फैंग मिल जाती है। तो फैंग कहती है लगता तूने अभी तक मिस्टर क्याओ का पीछा नहीं छोड़ा है, चल मैं तेरी वीडियो बनाती हूँ। मेरी सिस्टर याओ से माफी मांग कि तू दोबारा मिस्टर क्याओ के आसपास भी नहीं दिखेगी। गुस्से से उसके ऊपर पानी फेंक के मारती है और कहती है तू मर्डरर है, तूने मेरे बेबी को मारा, और उसे थप्पड़ मार के उसकी गर्दन पे चाकू रख लेती है। फैंग कहती है मैंने नहीं, मिस्टर क्याओ ने ऑर्डर दिया था, और मिस्टर क्याओ को फोन लगा देती है। तो कहती है कंगन तुम मुझे जान से मार रही हो, ऐसा मत करो मेरे साथ, मिस्टर क्याओ ने तुझे ड्रॉप्ट किया तू ऐसे कर रही है उसके साथ। और मिस्टर क्याओ से कहती है देखा तुमने सुन लिया, मुझे बचाने आ जाओ। कंगन कहती है तुझे क्या लगता है मिस्टर क्याओ अगर तुझे बचा लेगा। फैंग कहती है मेरी सिस्टर याओ की मिस्टर क्याओ से शादी हो चुकी, अगर मुझे कुछ किया तो मिस्टर क्याओ तुझे छोड़ेगा नहीं। और उससे फाइट करने लगी थी तो क्याओ भी उसके चाकू मारने लगती है, बट तभी मिस्टर क्याओ आ जाता है, पर वो फैंग को देखने के बजाय कानकन की चोट देखने लगा था। फैंग कहती है मुझे चोट लगी है, तो कहता है असिस्टेंट इसे हॉस्पिटल ले जाओ। तो फैंग गुस्से से चली जाती है। मिस्टर क्याओ कानकन को हॉस्पिटल ले जाने लगा था, वो जाने से मना करती है तो वो उसे गोद में उठाकर ले जाता है। फिर वो डॉक्टर के पास आता है जो कहता है मिस्टर क्याओ तुम उसे मिलने आया है, बट देखता है कानकन को चोट लगी है। तो डॉक्टर जल्दी से कानकन की चोट पे दवा लगाने लगा था, और फिर जब डॉक्टर कानकन को छूने लगा था तो जेलस मिस्टर क्याओ कानकन को पकड़ के ले जाता है। मिस्टर क्याओ कहता है जल्दी खाना खा लो फिर मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाने चाहूंगा, वो बिल्कुल अभी वैसा ही है। कानकन कहती है अब वो मेरा घर नहीं है। मिस्टर क्याओ कहता है जब तक मैं हूँ तब तक वही तुम्हारा घर है। फिर वो फोन पे बात करने चला जाता है और बटलर कानकन को खाना सर्व करता है। तो कानकन उससे पूछती है क्या मिस्टर क्याओ और याओ की शादी हो चुकी है। बटलर कहता है मिस्टर क्याओ का तो ऑलरेडी 6 साल का बच्चा भी है। ये सुनते ही क्याओ का मूड खराब हो गया था और वो जाने लगती है। मिस्टर क्याओ रोकता है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, वो कहती है बस करो तुम्हारा ऑलरेडी उस याओ के साथ 6 साल का बच्चा है, दोबारा मुझे कभी अपना फेस मत दिखाना, और चली जाती है। तो मिस्टर क्याओ बटलर को डांट देता है कि तुमने कानकन को ऐसा क्या बोल दिया, ध्यान से बोलना वरना अगली बार रिटायर हो जाओगे। इधर बेचारी कानकन बैठी रो रही थी कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना नहीं था तो कम से कम मेरे बच्चे को तो छोड़ देते। फिर हम पास्ट में देखते हैं जब कानकन प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर उसके बेबी को बाहर निकालने लग जाते हैं जो अभी सिर्फ 8 मंथ का ही था, और फैंग ने उसे बोला था कि यही मिस्टर क्याओ का ऑर्डर है कि इस बच्चे को मर जाना चाहिए। क्याओ रो रो कर अपने बच्चे की जान बख्शने की भीख मांग रही थी, बट फैंग उसके बच्चे को नहीं छोड़ती और वो रोती चली जाती है। मॉर्निंग में क्याओ की आईज खुलती है तो उसकी बेस्ट उसे जल्दी से बुलाती है क्योंकि आज कानकन की जॉब का फर्स्ट डे है, इसलिए बेस्ट उसे छोड़ने आई थी। कानकन उसे सारी बात बताती है तो बेस्ट कहती है तू पागल हो गई है, फिर तू मिस्टर क्याओ की कंपनी में जॉब क्यों कर रही है, तुझे बार बार उसे देखना पड़ेगा और उसने तुझे बुली किया तो। कानकन कहती है टेंशन मत ले वो कुछ नहीं करेगा। तो बेस्टी उसे कंपनी में लाती है और उसे उसकी सीट बता रही थी। लोग कानकन को देख बातें बना रहे थे तो बेस्टी उन्हें चुप करा देती है कि अपने काम से काम रखो। एक एम्प्लॉय उसे कंपनी दिखाने लेके जाने लगी थी बट फैंग आके कहती है तू यहाँ घूमने नहीं आई, जल्दी से फाइल रेडी कर ले, अगर कुछ गलती हुई तो नहीं बचेगी। दूसरी एम्प्लॉय हैरान थी तुझे पार्टी में इंटरव्यू लेना है, मुझे तो 5 साल हो गए अभी तक ये मौका नहीं मिला, कितना अच्छा मौका है। बट कानकन समझ रही थी कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर एम्प्लॉय गर्ल्स वॉशरूम में बातें कर रही थी कि उस कानकन को कितना अच्छा मौका मिला है, काश वो पार्टी इंटरव्यू वाला हमें मौका मिल जाए। कानकन उसी एम्प्लॉय गर्ल से जाकर कहती है क्यों ना तुम इंटरव्यू में मेरे साथ चलो, तुम वैसे भी मेरी सीनियर हो। तो वो लड़की हाँ कर देती है पर इस शर्त पे कि ये फाइल मेरे नाम पर होगी। फिर वो उसी एम्प्लॉय गर्ल के साथ पार्टी में आती है, बट वो एम्प्लॉय गर्ल तो मजे कर रही थी और सारा काम कानकन ही करती है। वो एक एक करके पार्टी में आए हुए सब लोगों की इंटरव्यू ले रही थी जिस जिसका नाम लिस्ट में लिखा था। फिर वो लास्ट में लियू का इंटरव्यू लेती है जो एक लड़की के साथ था, बट कानकन उसे उसकी वाइफ समझ लेती है। तभी वहाँ पर मिस्टर क्याओ भी आ जाता है उसके पीछे, चलो बात करते हैं, वो कहती मेरे पास टाइम नहीं है मुझे काम है। तो कहता ओके मैं काम खत्म होने तक वेट करूंगा। कानकन जानबूझ के जोर से चिल्ला पड़ती है मिस्टर क्याओ आ गए, और खुद भाग जाती है जबकि सब लोगों ने मिस्टर क्याओ को घेर लिया था। नेक्स्ट डे फैंग कानकन को आकर कहती है लियू ने हम पे केस कर दिया है, तुमने गलत इंटरव्यू लिया है। उस टाइम लियू के साथ उसकी वाइफ नहीं एक गर्लफ्रेंड थी, और वाइफ को पता चल गया कि लियू का अफेयर चल रहा है और इस काम की फाइल तुम्हारे नाम पर है तो तुम पे केस होगा। इधर असिस्टेंट आकर मिस्टर क्याओ को बताता है, बट मिस्टर क्याओ कहता है मुझे उस पर विश्वास है, और वो फिर भी कानकन के पास जाने लगा था।
असिस्टेंट कार चला रहा था, बट तभी एक येलो कलर की कार उनकी कार को पीछे छोड़ देती है और ये बेस्टिक कार है जो कानगन के पास जा रही थी। मिस्टर क्यों कहता है फास्ट कार चला, तो असिस्टेंट और फास्ट कर देता है, तो असिस्टेंट येलो कार से आगे निकाल लेता है, बट फोन पे लगे होने की वजह से बेस्टिक कार मिस्टर क्याओ की कार को ठोक देती है। तो असिस्टेंट उधर के बात करने चाहता है, वो कहती है सॉरी मेरा कार्ड ले लो। असिस्टेंट कहता है तुम ये नहीं पूछो कि किसी की चोट भी लगी है। तो बेस्टी उसका हाथ पकड़ के देखने लग जाती है और पूछती है तुम्हें कहाँ चोट लगी है, बट असिस्टेंट नर्वस हो रहा था और मना कर देता है और बेस्टी भी चली गई थी। इधर फैंग कहती है अब तुझे से नाथ को कौन बचाएगा, अब तो वो गई काम से। कानगन कहती है सॉरी पर ये केस मुझ पे नहीं होगा क्योंकि फाइल मेरे नाम पर नहीं है। इनफैक्ट कानगन ने उन एम्प्लॉय गर्ल्स को बातें करते सुन लिया था और इसलिए फाइल अभी एम्प्लॉय गर्ल के नाम पर है। और तो और मिस्टर क्याओ ने भी उसे बता दिया था कि वो लड़की लियो की वाइफ नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड है। क्या वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे फैंग ने उसी की फोटो दी है कि वो उसकी वाइफ है। वो एम्प्लॉय गर्ल कानगन पे गुस्सा करने लग जाती है तूने मुझे फंसाया। कानगन कहती है मैंने कैसे फंसाया, तूने खुद ही फाइल अपने नाम पर करवाई है और तूने अपने लैपटॉप से इंटरव्यू को पोस्ट किया था। एम्प्लॉय गर्ल कहती है मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर क्या और असिस्टेंट उसे बचाने आ रहे थे बट तभी गुस्से से बेस्टी आती है और उन दोनों को धक्का मारकर आकर कानगन को पकड़ लेती है। अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। और असिस्टेंट तो बेस्टी को देखते रह गया था। बेस्टी कहती है तू चुपचाप सुन रही है, मैंने तुझे कराटे सिखाया ना, तोड़ डाले के की हड्डी। फैंग मिस्टर क्या उसे कहती है बॉस तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। वो कहता है तुम क्या करोगी, तो कहती है जिसने गड़बड़ की है उसे फायर कर देंगे और कंपनसेशन देना पड़ेगा। मिस्टर क्या कहता ओके तो तुम रिजाइन कर दो। वो कहती है तुम मुझे क्यों फायर कर रहे हो, तो असिस्टेंट बताता है कि क्योंकि फाइल में तुम्ही ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। फैंग कहती है ये मेरी गलती नहीं है, इस एम्प्लॉय गर्ल की है, तो मिस्टर क्या उस एम्प्लॉय गर्ल को फायर कर देता है। टूटू बटलर के साथ कंपनी में आया था ताकि मिस्टर क्या उसे मिल सके, बट तभी टूटू कानगन को देख लेता है। इनफैक्ट पहले जब टूटू मिस्टर क्या के ऑफिस में था तब वो मजे कर रहा था और उसने मिस्टर क्याओ की अलमीरा में फोटो देख ली थी मिस्टर क्याओ के साथ, तो वो उनके पीछे चला जाता है। बटलर देखता है टूटू गायब तो वो उसे ढूंढने लग गया था और बटलर फिर असिस्टेंट को फोन कर देता है कि यंग मास्टर गायब है। टूटू ब्यूटीफुल लड़की बोलता बोलता रोड क्रॉस कर रहा था। कानगन देखती है उधर एक कार आ रही है और कार बच्चे को ठोकने वाली थी, बट कानगन भागकर से बच्चे को बचा लेती है। तो पूछती है बच्चे तुम ठीक तो हो ना, ये कितना डेंजरस था, तुम रोड पे क्यों भाग रहे थे, तुम्हारे मॉमलेट कहाँ पे है। बेस्टी को जरूरी काम था इसलिए वो चली जाती है और कानकन उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने लगी थी, पर टूटू कहता है पहले अपना नाम बताओ। कानकन अपना नाम बताती है और पूछती है तुम रोड पे अकेले क्यों थे, तो वो कहता है मेरे डैड ने मुझे डांटा इसलिए मैं गुस्सा होकर भाग आया। कानकन कहती है बताओ जी इतने क्यूट बच्चे को कौन खड़ूस डांट सकता है। मिस्टर क्या छींक रहा था और कहता है जल्दी सीसीटीवी चेक करो। तभी असिस्टेंट को फोन आता है और फिर असिस्टेंट उसे बताता है कि टूटू का एक्सीडेंट हो गया। मिस्टर क्या भागने वाला था तो कहता है पर उसे एक लड़की ने बचा लिया, अब वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे हैं। मिस्टर क्या जाने लगा था, असिस्टेंट कहता है अभी तो मैंने पूरी बात बताई नहीं है। इधर टूटू बैठा खा रहा था। कानगन कहती है धीरे खाओ, पर तुम्हें डर नहीं लगता, क्या पता मैं बुरी लड़की हूँ। वो कहता है इतनी सुंदर लड़की बुरी कैसे हो सकती है। कानगन कहती है तुम इतने छोटे से हो तब भी फ्लर्ट करते हो लड़कियों से। फिर जैसे ही वो बिल पे करने जाती है टूटू अपने डैडी को कॉल करने लग जाता है और कहता है डैडी। मिस्टर क्या कहता है डैडी किसे बोल रहा है, तो कहता है ओके अंकल मैं मिस कानगन के साथ बहुत खुश हूँ और मैं उसके साथ मजे करूंगा। तभी कानगन आकर उसका फोन ले लेती है और कहती है तुम टूटू के बाप हो, मुझे अपना एड्रेस बता दो मैं इसे छोड़ जाऊंगी। पर टूटू जिद करने लगता है मैं नहीं जाना घर पे, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। कानगन कहती है मैं इसे सेफली घर पे छोड़ आऊंगी। मिस्टर क्या कहता है कोई बात नहीं तुम उस प्रॉब्लम का मेरे लिए ध्यान रख लेना। कानगन हैरान थी कि कैसा बाप है। टूटू कहता है मेरे डैडी बहुत गुस्से वाले हैं, प्लीज मुझे अपने घर पे ले चलो ना। तो कानकन सोचने लग जाती है कि अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो शायद इतना बड़ा ही होता और कहती है चलो मेरे साथ। और फिर वो दोनों खूब शॉपिंग करते हैं और मजे करते हैं। टूटू भी उसके साथ बहुत इंजॉय कर रहा था। असिस्टेंट पूछता है बॉस यंग मास्टर को लेके नहीं आना। मिस्टर क्या कहता है नहीं उन्हें थोड़े मजे करने दो। इधर क्या टूटू को अपने घर पे ले आई थी और फिर उसे नहलाने के लिए उसका कपड़े निकालने लगती है, पर टूटू शर्मा रहा था और कहता है मैं अपने कपड़े खुद निकाल लूंगा। और फिर कानकन टूटू को नहला रही थी तो टूटू बहुत खुश होता है और कहता है क्या तुम मेरी मम्मी बनोगी। कानकन को सोचने लग जाती है और फिर स्माइल करने लगी थी। तो रात में कहती है तुम लेटो मैं अभी नहा कर आती हूँ। टूटू कहता है ओके मैं तुम्हारे लिए बेड को गर्म कर देता हूँ। और उसके जाते ही वो मिस्टर क्याओ को फोन करता है डैडी। वो कहता है डैडी नहीं अंकल बोलो, तो कहता है अंकल मैं अभी कानकन के साथ नहा कर आया हूँ अब हम सोने वाले हैं। मिस्टर क्याओ जेलस हो रहा था और कहता है 10 मिनट देता हूँ अभी अपना सामान पैक करके घर वापस आ जा।
फिर वो अब नौकर को भेज देता है टूटू को लेने। कान का नौकर से कहती है, इसके डैड को बोलना टूटू को ज्यादा परेशान मत करें, डांटे ना। टूटू कहता है, मेरे डैडी इतने बुरे नहीं है, वो हमेशा मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हैं, पर कभी कभी अजीब बिहेव करते हैं। और जाने लगा था तो कहता है, हम अगले संडे में अम्यूजमेंट पार्क में मजे करेंगे। कनकन ओके कर देती है तो वो बाय करता हुआ चला जाता है। डॉक्टर कनकन को फोन करता है कि मॉम डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं, आ जाओ हम सब फ्रेंड्स मिलकर घर पे खाना खाएंगे, बाकी लोग भी आ रहे हैं। और हमें डॉक्टर और कनकन की बातों से पता चलता है कि डॉक्टर कनकन, मिस्टर क्याओ, फैंग और उसकी बड़ी बहन याओ सब साथ में रहे थे बचपन में। तभी वहाँ पर मिस्टर क्याओ और याओ भी आ जाती है। या पूछती है, ये किसका सामान है, घर पे कोई और भी आया है क्या? तो उसकी मॉम बताती है कि कनकन आई है, अभी वो तुम्हारे भाई डॉक्टर के साथ है, दोनों काफी टाइम से ऊपर हैं, लगता दोनों में फीलिंग्स होंगी। बट जेलिस मिस्टर क्या कहता है, साथ होने का मतलब ये नहीं है उसमें फीलिंग्स भी होंगी। और वो भाग के डॉक्टर के रूम में आता है, डॉक्टर उसे हेलो करने लगा था बट वो उसे धक्का मार के सीधा जाकर कनकन का हाथ पकड़ लेता है और उसे कोने में ले जाकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, दूसरे लड़कों के रूम में जा रही हो। कनकन कहती है, तमीज से बात करो, और वैसे भी तुम्हें क्या हो रहा है, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। मिस्टर क्या कहता है, ओके तो घर चलो, बट वो हाथ छुड़ाती है तो उसके हाथ लगने से एक फोटो गिर जाती है। मिस्टर क्या उसकी चिंता करने लगा था कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। मिस्टर क्या उसे फोटो उठाने से रोकता है, कान से तुम्हें चोट लग जाएगी, बट वो फोटो उठाने लगती है। तभी देखती है उस फोटो के नीचे एक और फोटो छुपी हुई है, तो वो कुछ सोचने लग गई थी। तभी याओ उन्हें डिनर के लिए बुलाने आती है। डिनर पे मॉम कहती है, कनकन तुम्हें ये डिश बहुत पसंद थी ना, डॉक्टर इसे जरा सर्व करो। डॉक्टर उसे डिश देने लगा था तो मिस्टर क्याओ जेलस हो रहा था, तो याओ मिस्टर क्याओ को सी फूड दे देती है। मिस्टर क्याओ खा लेता है, डॉक्टर कहता है, तुम्हें तो सी फूड से एलर्जी है। याओ कहती है, तो थूक दो, बट मिस्टर क्याओ खा लेता है। और फिर याओ सबको अपनी रिंग दिखाती है कि मैंने और मिस्टर क्याओ ने फौरन में एंगेजमेंट कर ली। ये सुनने के बाद तो कनकन का दिल टूट जाता है और उठ के जाने लगती है। मॉम कहती है, डॉक्टर तुम छोड़ाओ। मिस्टर क्याओ कहता है, नहीं मैं छोड़ाऊंगा। फिर कनकन जा रही थी तो मिस्टर क्याओ कार लेके उसके पीछे पीछे। कनकन कहती है, मेरे पीछे मत करो, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, बट मिस्टर क्याओ फिर भी उसके पीछे पीछे था। अचानक से कनकन के पेट में दर्द होने लगता है तो वो उसके पास आकर पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? और उसका पेट रोलने लग गया था, पर चूचू उसे देख और ज्यादा रो रही थी। मिस्टर क्याओ कहता है, इतना दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल ले चलो तुम्हें, बट वो मना कर देती है तो वो उसे हक कर लेता है। चूचू रोने लगी थी और फैंग जाते हुए उन्हें देख लेती है तो उनकी फोटो खींच लेती है। कनकन रोती हुई उसे दूर हो जाती है। मिस्टर क्याओ पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम पेट दर्द की वजह से तो नहीं रो रही हो? कहता, मुश्किल है कहना कि तुम मेरी परवाह करती हो, मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया। कनकन कहती है, तुमने मुझे मिस किया किसी और लड़की के साथ रहकर, उससे एंगेजमेंट कर ली, मुझे याद करते हुए उसके साथ बच्चा भी कर लिया। मिस्टर क्या कहता है, ये सच नहीं है। तो रोते हुए कहती है, फिर सच क्या है? मिस्टर क्या कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम भी मुझे लाइक करती हो। मेरी गलती है कि उस रात के बाद मैं तुमसे दोबारा मिलने नहीं आया था, पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था, पर मुझे एहसास हो गया मैं गलत था, मैं तुमसे लव करता हूँ। कनकन कहती, बस करो, अब तुम्हारी याओ से एंगेजमेंट हो गई है और बच्चा भी है, और अब तुम मुझे मिस कर रहे हो। और रोते हुए चली जाती है। इधर मिस्टर क्याओ के डैड उस पर गुस्सा करते हैं फोटो दिखाकर, मैंने तुझे 6 साल पहले उससे मिलने से मना किया था ना, तो फिर उससे मिलने गया, मैंने 6 साल पहले उसे गायब करवा दिया था, तो अब भी करवा सकता हूँ। मिस्टर क्याओ कहता है, यानी उसे आपने गायब करवाया था। इधर कंपनी में डॉक्टर आया था और कनकन पे फेस पे लगा कुछ हटाने लगता है। तभी फैंग चाहती है और कहती है, डॉक्टर से दूर है तो उसे सेड्यूस करना चाहती है। मिस्टर क्याओ, काफी नहीं है क्या? डॉक्टर, तुम भी इससे दूर रहो, ये बहुत बुरी है। पर डॉक्टर उसकी तरफ देख रहा था तो उसके मुंडे पकड़ कहती है, इसकी तरफ मत देखो, और तुम भी इसकी तरफ क्यों देख रही हो? तो डॉक्टर अपने हॉस्पिटल वापस चला जाता है। फिर फैंग कहती है, मैं चाहूँ तो तुझे जॉब से फायर करवा सकती हूँ। कनकन कहती है, अच्छा ट्राई करके देख ले। हाँ, मेरे पास तेरा एक सीक्रेट है, पहले मुझे लगता था तू अपनी बड़ी बहन याओ की वजह से मुझे टारगेट करती है, पर अब मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे इतना चिढ़ती क्यों है, क्योंकि तू डॉक्टर को लाइक करती है। फैंग कहती है, क्या बोल रही है, तेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, तेरे पास कौन सा कोई सबूत है? बट कनकन फोटो दिखाती है और कहती है, मुझे पता चल गया, डॉक्टर तेरा ब्रदर नहीं है, वो अडॉप्टेड है। फैंग कहती है, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ। तो कनकन कहती है, तू चाहे मान चाहे मत मान, पर मेरे और डॉक्टर के बीच में कुछ भी नहीं है, पर अगर तू फिर भी नहीं सुधरी तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। इधर टूटू कहता है, डैडी 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 डैडी, बट मिस्टर क्या उसे इग्नोर कर रहा था तो कहता है, डैडी प्लीज सुन लो ना। मिस्टर क्या कहता है, अगर तुझे सोना नहीं है तो मुझे परेशान मत कर, मैं काम कर रहा हूँ। टूटू कहता है, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं बोर हो रहा हूँ घर पे, तो मुझे मिस कनकन के साथ खेलना है। मिस्टर क्या कहता है, तू बार बार कनकन को परेशान मत किया कर। टूटू कहता है, आपने मिस कनकन की इंस्टा पे पोस्ट देखी नहीं है, वो बीच पे अकेली है। मिस्टर क्या देखता है तो कहता है, डैडी प्लीज मुझे कनकन के पास ले चलो ना। मिस्टर क्या इंस्टा खोल के देखता है, बट कनकन का अकाउंट तो प्राइवेट होता है। टूटू कहता है, ओके डैड मैं आपको दिखा सकता हूँ, पहले आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे मिस कनकन के पास ले चलोगे। तो मिस्टर क्या उसका फोन छीन लेता है
इधर कानकान अकेली बीच पे बैठी ड्रिंक कर रही थी, तभी उसे उसकी बेस्टी का कॉल आता है जो पूछती है कहाँ है तू। कानन कहती है मैं ड्रिंक कर रही हूँ बीच पे बैठी। बेस्टी कहती है तू ठीक तो है ना, तेरा मूड खराब तो नहीं है, मैं अभी आ रही हूँ वहाँ पे। कानन कहती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहीं 6 साल पहले जो हुआ वो पूरा सच है भी या नहीं, क्या मुझे मिस्टर क्या उसे डायरेक्ट पूछ लेना चाहिए, पर मुझे डर लग रहा है कि मुझे वही कड़वा सच सुनना पड़ेगा। बेस्टी कहती है तू उसे अब भी लाइक करती है ना। कानन कहती है पर वो बुरा नहीं है। तभी गुंडिया जाते हैं और कहते हैं क्यों अकेली ड्रिंक कर रही है, हमें भी अपने साथ ड्रिंक करा ले, और उसे छेड़ने लगे थे। कानन पहले तो इग्नोर करती है बट वो सुधरती नहीं है। बेस्टी पूछती है तू ठीक तो है ना। कानन कहती है कुछ नहीं बस 2-4 गुंडे हैं, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। वो गुंडे हंसने लग जाते हैं कि छोटी सी लड़की हमारा सामना करेगी, बट कानन जोर से उसकी लात मारती है कि उसका सिस्टम में फेल हो गया था। फिर बाकी गुंडे उसके पास आने लगे थे, तभी मिस्टर क्याओ आता हुआ देख लेता है तो वो भाग के आने लगा था, बट क्याओ खुद ही उन गुंडों को धोने लग जाती है तो मिस्टर क्याओ एकदम हैरान। तब उसे याद आता है कि बेस्टी बोल रही थी कि मैंने तुझे कराटे सिखाया है ना। कानन एक एक करके सारे गुंडों को धो डालती है। एक गुंडा पीछे से चाकू उसके मारने वाला था, तभी मिस्टर क्याओ भाग के जब उसे हक कर लेता है जिसकी वजह से चाकू मिस्टर क्याओ के लग गया था, और असिस्टेंट उस गुंडे को धो डालता है। बट मिस्टर क्याओ गिरता हुआ भी स्माइल कर रहा था कि अच्छा हुआ कानन की चोट नहीं लगी। इतने में वहाँ पर बेस्टी भी आ जाती है अपनी कार लेके। कानन रोने लग जाती है क्योंकि मिस्टर क्याओ की आइस बंद हो गई थी और उसके बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर क्याओ हॉस्पिटल के बेड पे बड़ा स्माइल कर रहा था। बेस्टी असिस्टेंट से पूछती है कहीं उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। असिस्टेंट कहता है मैंने तो सुना था सिर्फ कमर में चोट लगी है। बेस्टी कहती है अच्छा, फिर चाकू लगने के बाद ये स्माइल क्यों कर रहा है। असिस्टेंट मिस्टर क्याओ को बताता है कि यंग मास्टर को पता चल गया है और यंग मास्टर आपको धोखेबाज बोल रहा है, तो मिस्टर क्याओ को हंसी आ जाती है। तभी वहाँ पर कानकान और डॉक्टर भी आ जाते हैं। डॉक्टर मिस्टर क्याओ को कहता है अच्छा तुमने कानकान की जान बचा ली, पर तुम खुद की जान भी रिस्क में नहीं डाल सकते, अगर थोड़ा सा भी चाकू तुम्हारी बैकबोन में लग जाता तो तुम्हारा हाल मुश्किल हो जाता। तुम्हें क्या लगता है कानकान तुम्हारा थैंक यू करेगी, उसे कितना बुरा लगता अगर तुम्हें कुछ हो जाता। कानकान कहती है कोई बात नहीं डॉक्टर, तुम जाओ मैं हूँ यहाँ पे। असिस्टेंट कहता है मिस कानकान आपको रुकने की जरूरत नहीं है, मैं बॉस का ध्यान रख लूंगा, पर बेस्टी उसे खींच के ले जाती है। उनके जाने के बाद मिस्टर क्या हो कानकान को पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेता है और उसे हक करने लग जाता है टाइटली। वो कहती छोड़ो मुझे, तो कहता है बस ऐसे रहो, सॉरी मैं तुम्हें सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। पास्ट में हम देखते हैं कानकान जब बच्ची थी तो वो बहुत गरीब थी और डस्टबिन में से खाना निकाल रही थी। तभी मिस्टर क्या उसे देख लेता है और एक लॉलीपॉप देता है और कहता है अब से तुम हमारे साथ हमारे घर रहना, और मिस्टर क्या कानकान को अपने घर पे ले गया था। फिर वो प्रेजेंट में कानकान को बता देता है कि मेरी और याओ की एंगेजमेंट नहीं हुई है, तुम चली गई थी तो मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर तुम कहीं नहीं मिली, कंपनी की हालत खराब थी इसलिए मुझे फौरन जाना पड़ा, पर तभी डैड घर पे एक बच्चे को लेकर आए कि मैं उसे अपने बेटे की तरह पालूं, पर काम में बिजी होने की वजह से मैं टूटू का ध्यान नहीं रख पाता था, इसलिए याओ ने टूटू को पालने में मेरी हेल्प की है। कानकान कहती है यानी टूटू तुम्हारा और याओ का बेटा नहीं है। मिस्टर क्या कहता है नहीं तो। वो कहती है फिर तुमने एंगेजमेंट का झूठ क्यों बोला। मिस्टर क्या कहता है मुझे नाटक करना पड़ा क्योंकि मेरी फैमिली वाले और उसकी फैमिली वाले हमें शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे, इसलिए याओ ने घर पे जो बोला वो सब हमारा लास्ट नाटक था। कानकान रोने लग जाती है तो पूछता है बताओ उस टाइम क्या हुआ था, तुम बिना गुड बाय करे चली क्यों गई थी। तो कानकान बताती है कि जब मैं उस दिन मॉर्निंग में उठी तो मुझे अननोन नंबर से एक रिकॉर्डिंग सेंड की थी किसी ने, जिसमें तुम बोल रहे थे कि तुम मुझे लाइक नहीं करते, वो तो सिर्फ एक्सीडेंटल वन नाइट स्टैंड था, और मुझे लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया इसलिए मैं गुस्से से चली गई, और ऊपर से तुमने भी तो कभी नहीं बोला कि तुम मुझे लाइक करते हो। मिस्टर क्या कहता है मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, और उसे हक कर लेता है मुझे पहले नहीं पता था मैं इतना स्टूपिड था, और अपने सेल्फ एस्टीम की वजह से मैं तुम्हें कभी आई लव यू बोल ही नहीं पाया, मुझे लगा तुम मुझ पे हंसोगी, और उसके फोरहेड पे किस कर देता है। कानकान कहती है पर तुमने अभी तक नहीं बताया क्या वो रिकॉर्डिंग रियल थी। मिस्टर क्या कहता है नहीं तो वो फेक है, और मुझे पता है ये किसने किया है, मेरे डैड ने, इनफैक्ट उस टाइम डैड मिस्टर क्या उसे बात कर रहे थे, मैं कानकान को फौरन भेज दूंगा। मिस्टर क्या मना करने लग जाता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ, पर डैड कहते हैं तुम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते, तुम्हारा याओ के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है तो उसी से शादी करनी होगी। मिस्टर क्या कहता है मैं याओ को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, मैं सिर्फ कानकान को लव करता हूँ, और उठ के चला गया था। कानकान कहती है पर अंकल ऐसा क्यों करेंगे, वो हम दोनों को साथ क्यों नहीं देखना चाहते, जबकि अंकल तो हमेशा मेरे साथ अच्छा बिहेव करते थे। मिस्टर क्या कहता है मुझे भी नहीं पता, पर अगर डैड तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काए तो तुम मुझे छोड़ के मत जाना। कानकान कहती है ओके। फिर वो उसे हक करके सो रही थी और उसे टच करके देखती है। इधर असिस्टेंट याओ और फैंग को अंदर नहीं जाने दे रहा था, बट याओ कहती है हम बस उसका पता लेने आए हैं, और अंदर आ जाती है, पर फैंग कहती है कानकान तुम यहाँ क्या कर रही हो। कानकान मिस्टर क्या उसे कहती है मुझे छोड़ो, बट वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था, वो दूर हो जाती है। याओ कहती है ओके हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फैंग कहती है
ऐसा कैसे करने दे सकती है इसे? मिस्टर काओ पूछता है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? याओ कहती है, हम बस तुम्हारा पता लेने आए थे। मिस्टर काओ कहता है, अब देख लिया ना तो जाओ। याओ पूछती है, पर तुम दोनों में? मिस्टर काओ कहता है, हम दोनों में जो चल रहा है वो तुम दोनों को ऑलरेडी पता है और हमें तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें इससे क्या? तो याओ फैंग को लेकर चली जाती है और फिर याओ फैंग को सब कुछ बता देती है। तो फैंग कहती है, मिस्टर गाओ कितना बुरा है, तुमने उसके बच्चे को पाला और वो बस तुम्हारे साथ एंगेजमेंट की एक्टिंग कर रहा था और अब छोड़ दिया। याओ कहती है, हमारी एंगेजमेंट कभी हुई नहीं थी। कंपनी में कानकान मिस्टर गाओ के लिए खाना लेकर आई थी और असिस्टेंट को देख कहती है, तुम भी खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। मिस्टर गाओ कहता है, इसे भूख नहीं है। असिस्टेंट कहता है, हाँ मुझे भूख नहीं है, और चला जाता है। कानकान कहती है, तुम्हें थोड़े दिन हॉस्पिटल रुकना चाहिए था। बट वो उसे गोद में बिठा कर कहता है, हॉस्पिटल में बिल्कुल मजा नहीं आता, आज रात को घर पे चलेंगे। वो कहती है, क्या बोल रहे हो, चुपचाप खाना खाओ। कानकान उसके लिए सी फूड लेके आई थी और कहती है, तुमने उस दिन तो सी फूड खा लिया था, तुम्हें एलर्जी नहीं है? मिस्टर क्या कहता है, उस दिन वो फ्रेश वाटर सी फूड था, वरना तो याओ की मॉम को भी एलर्जी है, उनके घर में तो कभी सी फूड बनता ही नहीं है। बट वो कानकान का लाया हुआ सी फूड खा लेता है और कहता है, पर तुम्हारी अलग बात है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी खा सकता हूँ। और दोनों किस करने लगे थे तभी असिस्टेंट आ जाता है, तो कानकान एकदम से दूर हो जाती है। असिस्टेंट कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा और जाने लगा था। कानकान कहती है, अपने बॉस की मेडिसिन ले आओ, और खुद भी जाने लगी थी बट मिस्टर क्या उसे पकड़ के दीवार पे पुश कर लेता है और किस करने लग गया था। तभी असिस्टेंट मेडिसिन लेकर आता है तो कानकान फिर से दूर हो जाती है और भाग जाती है, पर मिस्टर क्या को असिस्टेंट में बहुत गुस्सा आता है। कानकान वापस जा रही थी तभी उसे रास्ते में डॉक्टर मिल जाता है और वो उससे मिस्टर क्याओ की चोट के बारे में पूछने लग गया था और कहता है, यानी तुम में और मिस्टर क्याओ में बात बन गई। कानकान कहती है, तुम्हें पता चल गया? एक कार कानकान के पास आने वाली थी तो डॉक्टर उसे पकड़ के बचा लेता है। कानकान एकदम हैरान, इतने में मिस्टर क्याओ भी भागकर आ गया था। वो एकदम से उसे छोड़ के क्याओ के पास ले जाती है, तुम मुझे लेने आए हो? वो कहता, और नहीं तो क्या, वरना तुम्हें कोई और ले जाता। डॉक्टर कहता, मैंने इसे बचाया था। मिस्टर क्याओ कहता है, हाँ मुझे पता है, मैंने गलत नहीं समझा। और वो कानकान को घर ले जाता है। जैसे वो अंदर आती है मिस्टर क्या उसे दीवार पे पुश कर देता है और उसकी कमर पकड़ लेता है, उसने तुम्हारी ऐसी हेल्प की थी ना। वो कहती है, तुम जेलस हो रहे हो? तो मिस्टर क्या उसकी मुंडी पकड़ के उसे जोर से किस करने लग जाता है और फिर कहता है, मैं नहीं चाहता तुम्हें दूसरा लड़का टच करे, और उसे किस करने लग गया था। कानकान भी उसे किस करने लग जाती है तो मिस्टर क्या उसे गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है। रोमांस स्टार्ट ही होने वाला था। मिस्टर क्या कहता है, चलो मेरे घर पे चलते हैं। वो पूछती है, क्यों? तो कहता है, तुम्हारे घर पे सब कुछ पिंक पिंक है। कानकान कहती है, मैं तो नहीं जा रही। तो वो उसे किस करने लग जाता है वहीं पे। फिर नेक्स्ट डे कानकान कहती है, यानी तुम्हें पता था कि टूटू मेरे पास है, इसलिए तुम उसे लेने नहीं आए थे। मिस्टर क्या कहता है, हाँ क्योंकि मैं चाहता था तुम दोनों टाइम स्पेंड करो। और फिर पूछती है, जब टूटू को पता चलोगा तुम्हारी चोट लगी है तो वो डर तो नहीं गया था? मिस्टर क्या कहता है, बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत बहादुर है, छोटी मोटी चोट से नहीं डरता। कानकान कहती है, वो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, कहीं वो तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा तो नहीं है? मिस्टर क्या कहता है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, पर अगर तुम सीक्रेटली मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो तभी हो सकता है। कानकान कुछ सोचने लगी थी, इनफैक्ट 6 साल पहले उसने मिस्टर क्या को नहीं बताया था कि वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए मिस्टर क्या को नहीं पता। मिस्टर क्या बताता है कि बीच पे जो गुंडे आए थे उन्हें हुआन फैमिली ने भेजा था। कानकान कहती है, पर मैंने तो कभी हुआन फैमिली से पंगा नहीं लिया। बट तभी कानकान को याद आता है कि जो एम्प्लॉय गर्ल फायर हुई थी उसका बॉयफ्रेंड हुआन फैमिली से ही है, यानी उसी ने भिजवाए होंगे। फिर वो तीनों अम्यूजमेंट पार्क आते हैं और खूब मस्ती करते हैं। कानकान को डर लग रहा था इसलिए उसने मिस्टर क्याओ को कस के पकड़ रखा था, बट टूटू बहुत मजे लेता है। और फिर वो सब कार फाइटिंग करते हैं और बहुत सारी सेल्फी लेते हैं, टूटू भी उन दोनों की फोटो खींचता है। फिर टूटू कानकान को देखने लग गया था, वो पूछती है, क्या हुआ टूटू, तुम थक गए हो? वो हाँ करता है। तो कहती है, मैं तुम्हारे डैड को बोलती हूँ तुम्हें गोद में उठा लेगा। टूटू कहता है, नहीं तुम मेरी मम्मी बन जाओ ना। मिस्टर क्या होगा टूटू की टकरी पे मारता है, तू मेरे पीछे मेरी गर्लफ्रेंड से क्या बातें कर रहा है? कानकान कहती है, ये हम दोनों का सीक्रेट है, तुम्हें नहीं पता। और फिर तीनों चले जाते हैं और याओ उन दिनों की इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख लेती है तो वो सोचने लगी थी। इनफैक्ट फैंग ने उसे बताया था कि मुझे पहले से शक लग रहा था कि वो टूटू मिस्टर क्याओ का बेटा है, वो डॉक्टर नहीं है, इसलिए मैंने टूटू का मिस्टर क्याओ के साथ डीएनए टेस्ट कराया और पता चला कि टूटू सच में मिस्टर क्याओ का ही बेटा है। उस टाइम जब कानकान ने बेबी की डिलीवरी की थी तो उस बेबी को एक डॉक्टर ले गया था, कहीं टूटू कानकान का बच्चा तो नहीं है? याओ कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टर क्याओ के डैड ने उस बच्चे को कब से जान से मार दिया होगा, ये बच्चा जरूर मिस्टर क्याओ का किसी और लड़के के साथ होगा। और यहाँ में पता चलता है कि याओ कभी मॉम नहीं बन सकती, इसलिए उसने टूटू को अपने बेटे की तरह पाला था। फिर याओ कानकान से मिलने चाहती है और उसे बता देती है कि तुम्हें मिस्टर क्याओ ने ये बताया होगा कि टूटू उसका बच्चा नहीं है, पर ये देखो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, टूटू मिस्टर क्याओ का ही बायोलॉजिकल बेटा है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद डीएनए टेस्ट करवा लो। कानकान कहती है,
मुझे तुम पे विश्वास है, पर तुम मुझे क्यों बता रही हो, तुम्हें क्या फायदा होगा? याओ कहती है, मुझे तो कोई फायदा नहीं है, पर 6 साल पहले मिस्टर क्याओ ने तुम्हारा बच्चे को मार दिया था, पर उसका किसी और के साथ बच्चा है, ये तो तुम्हारे साथ गलत है ना? कंग कहती है, सच में इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है? याओ कहती है, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। कंग कहती है, झूठ मत बोलो, और उठ के चली जाती है। फिर कानकन को याद आता है कि मिस्टर क्याओ को टूटू उसके डैड ने दिया था, और कहीं कानकन से उसका बच्चा मिस्टर क्याओ के डैड ने तो नहीं छीना, और सोचती है कहीं टूटू मेरा और मिस्टर क्याओ का बच्चा तो नहीं है, मेरा बच्चा भी जिंदा है। और वो भाग के मिस्टर क्याओ के ऑफिस में आती है, तो कहती है टूटू तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा है। वो कहता है मैंने बताया था ना ऐसा नहीं है। तो कहती है याओ ने डीएनए टेस्ट करवाया है और यही सच है। मिस्टर क्याओ कहता है उसकी बात पे यकीन मत करो, वो फेक डीएनए टेस्ट होगा, मैं अभी असली वाला डीएनए टेस्ट करवाता हूँ। कंगन कहती है रुको तो सही। वो पूछता है क्या तुम उसे कुछ छुपा रही हो? कंगन उसे सब बता देती है। मिस्टर क्याओ डैड से जाकर कहता है टूटू मेरा और कंगन का बायोलॉजिकल बेटा है। डैड कहते हैं हाँ। तो पूछता है आपने फैंग को बोला था कि कंगन से उसका बच्चा छीन लो? डैड हाँ करते हैं। तो कहता है वो आपका ग्रैंडसन है, आप कितने क्रूअल हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? डैड कहते हैं मैंने ये सब तेरी भलाई के लिए किया है, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता तो? मिस्टर क्याओ कहता है डिफेक्ट क्या मतलब आपका, आप मुझसे क्या छुपा रहे हो? डैड बताने से मना कर रहे थे तो मिस्टर क्याओ गुस्सा जाता है कि मैं आपका बेटा हूँ, क्या मुझे इतना भी सचाने का हक नहीं है? डैड कहते हैं हाँ तू मेरा बेटा है, पर कानकन भी मेरी बेटी है, वो तेरी हाफ सिस्टर है। मिस्टर क्याओ हैरान, तो डैड उसे बताते हैं कि कानकन की मॉम मेरा फर्स्ट लव थी, बट मुझे फैमिली वालों ने तुम्हारी मॉम से शादी करने के लिए फोर्स किया था, फिर तुम्हारी मॉम की बीमारी से डेथ हो गई, उसके बाद मैं फॉरेन चला गया तो वहाँ मुझे कानकन की मॉम मिल गई और हम दोनों ने साथ में काफी टाइम स्पेंड किया, पर जब कानकन की मॉम प्रेग्नेंट हो गई वो मुझे छोड़कर चली गई, मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर नहीं ढूंढ पाया, कितने सालों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली, फिर एक दिन तुम कानकन को घर ले आए, तब भी मुझे पता नहीं था कि वो मेरे फर्स्ट लव की बेटी है, पर जैसे जैसे कानकन बड़ी होने लगी उसका फेस उसकी मॉम के जैसा था, इसलिए मैंने उसके पास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट किया, तब मुझे पता चला कि कानकन मेरे फर्स्ट लव की बेटी है। मिस्टर क्या पूछता है पर उसकी मॉम आपको छोड़ के क्यों गई? डैड कहते हैं क्योंकि उसे कैंसर था, कानकन सच में तुम्हारी हाफ सिस्टर है इसलिए तुम दोनों साथ में नहीं हो सकते। मिस्टर क्या कहता है यानी आप इसलिए हमें अलग करना चाहते थे? डैड कहते हैं हाँ, इसलिए मैंने वो उसे फेक रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने सोचा रिकॉर्डिंग सुनते हुए चली जाएगी, पर मुझे फिर बाद में पता चला कि वो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है, जब मुझे वो मिली तब वो 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी, मुझे लगा बच्चे में कोई डिफेक्ट ना हो इसलिए मैंने उसकी 8 मंथ की डिलीवरी करवा ली, पर जब मैंने बच्चे को देखा वो बिल्कुल हेल्दी था, इसलिए मैंने कुछ महीने तक उस बच्चे को खुद पाला, और जैसे जैसे बड़ा होता गया उसमें कोई डिफेक्ट नहीं था, तो मैंने वो बच्चा तुम्हें दे दिया पालने के लिए, मुझे सच तुम्हें 6 साल पहले बता देना चाहिए था, सॉरी मुझसे गलती हो गई। बट मिस्टर क्या सैड होकर चला जाता है और वो गुस्से से कार लेके कानकन के पास आता है, कानकन कुछ पूछने वाली थी बट वो उसे पकड़ के कार में पटक देता है और जबरदस्ती किस करने लगा था, और फिर डैड की बात याद आते ही दूर हो जाता है और कहता है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, मैंने तुमसे झूठ बोला था, टूटू मेरा बेटा है पर वो तुम्हारा नहीं है, सॉरी 6 साल पहले तुम्हारे बच्चे के साथ जो भी हुआ। कानकन कहती है मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, मुझे सच बताओ। वो कहता है टूटू तुम्हारा बच्चा नहीं है तो ब्रेकअप। मिस्टर क्या कहता है मैं तुमसे बोर हो गया हूँ तो अभी कभी कार से बाहर निकलो। वो रोती कहती है मुझे पता है तुम्हारा मूड खराब है और चली जाती है। बट मिस्टर क्या बहुत रो रहा था और खुद के थप्पड़ मारता है, और फिर वो सड़क पर पड़ा ड्रिंक कर रहा था, डॉक्टर आकर उसकी हेल्प करने लगा था, तो वो डॉक्टर से कहता है तेरे पास बहुत अच्छा मौका है, तू हमेशा से कानकन को मुझसे छीनना चाहता था ना, तो मेरा तो पत्ता ही साफ हो गया, मैं तुझसे फाइट भी नहीं कर सकता, अब तो तू खुश है ना? डॉक्टर उसके कॉलर पकड़ कहता है तुझे क्या लगता है मैं खुश होऊंगा, मुझे पता है क्या क्या सहना पड़ रहा है, और गुस्से से चला जाता है। असिस्टेंट मिस्टर क्या को बताता है कि आप बहुत टाइम से कंपनी नहीं गए इसलिए कंपनी की हालत बहुत खराब है, और कानकन भी तुम्हें रोज देखने आती है। नेक्स्ट डे कानकन मिस्टर क्या को देखने कंपनी आई थी, वो वहाँ नहीं था तो जाने लगती है, बट तभी मिस्टर क्या आता है और उसके साथ याओ होती है, कानकन रोने लग जाती है। मिस्टर क्या कहता है अब से तुम्हारा मेरा कोई लेने देने नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो गया है। कानकन रोते हुए कहती है क्या तुम श्योर हो तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? बट वो बिना कुछ बोले चला जाता है। फिर फैंग आकर बताती है कि एक प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर वहाँ के फुटेज लेने हैं, पर वहाँ पे बिल्कुल सेफ्टी नहीं है, जान का खतरा हो सकता है, क्या कोई वहाँ पे जाना चाहता है? सब एम्प्लॉयज मना करने लग जाते हैं पर कानकन हाँ कर देती है कि मैं चाहूंगी। फैंग कहती है देख ले तू अपनी मर्जी से जा रही है, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। कानकन कहती है हाँ मुझे पता है। फैंग कहती है ओके मैं किसी को भेज रही हूँ तेरे साथ। कानकन कहती है नहीं मैं अकेली चाहूंगी। बेस्टी आकर कहती है पर मुझे मंजूर नहीं है, और कानकन को बताती है कि वहाँ डेंजरस हो सकता है, तो कानकन उसके कान में कुछ कहती है इसलिए बेस्टी को माननी पड़ती है, पर तो अपनी सेफ्टी पे ध्यान देना। फिर कानकन कंस्ट्रक्शन साइट पे जाती है और उन लोगों के चुपके से फोटो खींच रही थी, फिर जब वो वापस जाने लगी थी तो देखती है वो लोग वहीं आ रहे हैं, तो डरती पीछे को होती है
और उसका एक कार्ट पर पैर रखा जाता है। गुंडे उसे देखने वाले थे पर कोई उसे पकड़ के खींच लेता है और ये होता है मिस्टर क्याओ। तो कहता है तुम इतनी डेंजरस जगह पे क्यों आई हो, और ये लोग रिपोर्टर पे बिल्कुल भी दया नहीं करते। मैडम कहती है मुझे पता था तुम जरूर आओगे। एक गुंडा उधर ही आने लगा था तो वो उसे कस के हक्कर लेता है और गुंडा वहीं पे हल्का होकर चला जाता है। फिर वो जब जाने लगे थे तो गुंडा फिर से उधर आने लगता है। मिस्टर क्या कहता है मैंने हैंडल करता हूँ तुम भाग जाना, और गुंडे के अगर हेलो करने लगा था। गुंडा हैरान तो उसे गुस्सा मार देता है। मिस्टर क्या उसे फाइट करने लगा था बट क्या उसका हाथ पकड़ कहती है भागते हैं, और दोनों भाग लेते हैं। तभी बेस्ट और असिस्टेंट एक गाड़ी ले आए थे और वो उस गाड़ी में बैठ के भाग जाते हैं। असिस्टेंट पूछता है बॉस मैडम आप ठीक तो हो ना, पर देखता है बेस्ट उसे देख रही है। बेस्टी कहती है तुम गाड़ी चलाते काफी हैंडसम लगते हो। कंगन को मिस्टर क्या उसे बात करनी थी इसलिए वो दोनों बाहर चले जाते हैं। कंगन कहती है तुम्हें मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने टूटू से डीएनए टेस्ट करवा लिया है, वो रियल में मेरे बेटा है। तो तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। मिस्टर क्या जाने लगा था बट वो उसे रोकती है और किस करने के लिए क्लोज होती है बट वो उसे दूर कर देता है और कहता है ओके बताता हूँ तुम जानना चाहती हो ना। इधर बेस्टी कहती है अगर तेरे बॉस को कंगना से ब्रेकअप ही करना था तो वो उसके पीछे क्यों पड़ा था। असिस्टेंट कहता है जरूर बॉस की कोई मजबूरी होगी, कुछ दिनों से बॉस की हालत खराब ही चल रही है। तभी मिस्टर क्या गाड़ी से बाहर निकलता है और असिस्टेंट के साथ चला जाता है। बेस्टी देखती है कंगन बहुत तेज से रो रही है। कंपनी में कानकन में चुपचाप बैठे थे, फैंग कहती है तुमने भूत देख लिया क्या, ऐसे क्यों बैठी है। पर कानकन तब भी चुप बैठी थी तो वो याओ को फोन कर बताती है। लगता है कानकन इस वजह से सैड है कि उसे पता चल गया टूटू मिस्टर क्याओ का बेटा है, तो तुम्हें तो इस बात का फायदा उठाना चाहिए। तभी कानकन को किसी का फोन आता है, वो पहले तो नहीं उठाती पर एम्प्लॉय के कहने पे उठा लेती है। तो टूटू कहता है मिस कानकन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है प्लीज आके मुझे बचा लो। फिर वो हॉस्पिटल आती है तो डॉक्टर बताता है कि इसने उल्टा सीधा खा लिया था इसलिए थोड़ा इन्फेक्शन हो गया वरना ठीक है। जैसे टूटू को होश आता है कंगन कहती है तुमने उल्टा सीधा क्या खाया था, तो वो कहता है मैंने तो आइसक्रीम खाई थी और डैडी ने बोला था कि ज्यादा आइसक्रीम खाने से बीमार हो जाते हैं। कंगन कहती है तो तुमने आइसक्रीम क्यों खाई, वो कहता है क्योंकि मैं आपको और डैडी को देखना चाहता था, डैडी मुझे इग्नोर कर रहे हैं कि डैडी को मैं पसंद नहीं हूँ, वो तो कई दिन से घर भी नहीं आए। कंगन कहती है तुम्हारे डैडी बिजी है ना, तो दोबारा से ऐसा मत करना ओके। और फिर वो मिस्टर क्याओ को फोन करती है बट वो उसका फोन नहीं लग रहा था, तो वो असिस्टेंट को फोन करती है कि मिस्टर क्याओ कहाँ पे है, टूटू बीमार पड़ा है और उसे कोई खबर ही नहीं है। असिस्टेंट कहता है प्लीज आप यंग मास्टर का ध्यान रखिए। कानन कहती है बताओ क्या हुआ है, मिस्टर क्याओ कहाँ है, तो असिस्टेंट कहता है हम भी कई दिनों से मिस्टर क्याओ को ढूंढ रहे हैं, वो कहीं नहीं मिल रहा। फिर कानन कंपनी आ जाती है और इन्फॉर्मेशन ढूंढने लगी थी ताकि वो जल्दी से मिस्टर क्याओ को ढूंढ ले, तो असिस्टेंट बताता है कि अभी अभी ह्वान फैमिली बैंकक्रप्ट हुई है और ह्वान फैमिली का बेटा मिस्टर क्याओ से मिलने आया था, मिस्टर क्याओ ने उसे इग्नोर कर दिया और उसने बोला था कि वो मिस्टर क्याओ को सबक सिखाएगा। कानकन समझ जाती है कि जरूर ह्वान फैमिली ने मिस्टर क्याओ को पकड़ा होगा, और कानकन को अचानक याद आता है कि उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे ह्वान फैमिली का बिजनेस कार्ड मिला था, तो वो सब लोग वहीं जाने लगते हैं। इधर ह्वान फैमिली के बेटे ने मिस्टर क्याओ को किडनैप कर लिया था और कहता है तेरी वजह से हमारी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई। मिस्टर क्याओ कहता है मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोगों ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। बट वो कहता है अब मैं तेरी आंखों के सामने जिसे तू लव करता है उसे मार दूंगा, उस कानकन को तब तेरा क्या होगा, और सुना है तेरा तो बेटा भी है टूटू, और उसे चाकू दिखाता है। मिस्टर क्याओ कहता है तुझे पैसे चाहिए ना, मुझे अपने असिस्टेंट से बात करने दे तो वो तुझे पैसे ला के दे देगा। बट जब गुंडे को कानकन और बाकी सबके आने का पता चलता है तो वो उसके चाकू मारने लगा था बट कानकन आगे आ जाती है और चाकू उसके लग गया था, और बॉडीगार्ड्स आकर गुंडे को पकड़ लेते हैं। जबकि मिस्टर क्या रो रहा था क्योंकि कानकन के ब्लड निकल रहा था। फिर नेक्स्ट डे में कानकन हॉस्पिटल में थी, डॉक्टर मिस्टर क्या उसे कहता है जाकर कानकन से मिल लो, बट मिस्टर क्या नहीं चाहता और बाहर ही खड़ा था। जैसे डॉक्टर अंदर आता है कानकन पूछती है क्या वो अब भी बाहर खड़ा है, डॉक्टर कहता है हाँ पता नहीं ना अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है, आखिर तुम दोनों में चल क्या रहा है। फिर बातों बातों में डॉक्टर उसे बता देता है कि मैं तुम्हारा हाफ ब्रदर हूँ। कानकन को समझ नहीं आता तो बताता है कि 6 साल पहले मुझे पता चल गया था हम दोनों का डीएनए मैच करता है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि बचपन में मिस्टर क्याओ और डॉक्टर का एक्सचेंज हो गया था, यानी मिस्टर क्याओ और कानकन हाफ ब्रदर सिस्टर नहीं है क्योंकि कानकन तो डॉक्टर की हाफ सिस्टर है। और फिर डॉक्टर कानकन को बाय करके चला जाता है। कानकन बाहर आती है, मिस्टर क्याओ वहीं खड़ा था और उसे किस करने लगी थी। मिस्टर क्याओ उसे रोकता है बट वो उसे सच बता देती है और फिर दोनों किस करने लगते हैं। उन दोनों के साथ एक बेस्टी खुश होती है पर असिस्टेंट रो रहा था क्योंकि वो बेचारा इतना खुश था कि उसके खुशी के आंसू आ रहे थे। फिर नेक्स्ट दिन में टूटू को पता चल गया था कि कानकन ही उसकी रियल मॉम है इसलिए वो बहुत खुश होता है, और याओ को तो पत्ता साफ हो गया था क्योंकि मिस्टर क्याओ उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता इसलिए वो वापस फॉरेन चली जाती है।
टूटू कहता है, आंटी याओ मेरे साथ हमेशा अच्छा बिहेव करती हैं। मिस्टर क्यों कहता है, तो फिर चला जाओ उसके पीछे। टूटू कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे अपने मम्मी डैडी के साथ रहना है। और फिर टूटू कमकम के साथ खेल रहा था और मिस्टर क्या उन दोनों की केयर कर रहा था। असिस्टेंट वहीं पे था, तभी बेस्टी आकर कहती है, असिस्टेंट मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? असिस्टेंट कहता है, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ। वो कहती है, क्यों, एम्प्लॉय को लव नहीं होता है क्या? और मिस्टर क्या उसे कहती है, अब तुम्हारा असिस्टेंट मेरा हो गया, समझे तुम, और मेरी कान कान तुम्हारी हो गई। असिस्टेंट कहता है, बॉस बचा लो, बट वो उसे भाव नहीं देता और बेस्टी उसे खींच के ले जाती है। मिस्टर क्या भी कान कान के क्लोज होता है और टूटू को दूर कर देता है, बच्चे ये सब नहीं देखते, और फिर उसके गाल पे किस कर लेता है। इधर बेस्टी असिस्टेंट को अपने घर ले आई थी, बट दोनों साथ में नर्वस हो रहे थे। मिस्टर क्या और कानकन भी टाइम स्पेंड करते हैं। बेस्टी एकदम से खड़ी होती है तो असिस्टेंट डर जाता है। वो पूछती है, तुम्हें प्यास लगी है? तो वो हाँ कर देता है। तो बेस्टी ड्रिंक ले आती है और फिर दोनों गेम खेल रहे थे, जो हारेगा वो ड्रिंक करेगा, और दोनों का किस होते होते बह जाता है। फिर जब बेस्टी उसे किस करने लगी थी तो वो उसे पकड़ लेता है। इधर इन दोनों का रोमांस चल रहा था, तभी कानकन को बेस्टी का फोन आता है और मिस्टर क्याओ को असिस्टेंट का, बट मिस्टर क्याओ असिस्टेंट का फोन भी काट देता है और बेस्टी का भी, हमें डिस्टर्ब मत करो, ताकि वो दोनों मजे कर सके। फिर जब वो दोनों वहाँ पे आते हैं तो वो दोनों टल्ली पड़े थे, मिस्टर क्याओ असिस्टेंट को ले जाता है और कानकन बेस्टी को रोकती है। नेक्स्ट असिस्टेंट बेचारा काम कर रहा था, तभी बेस्टी गुस्से से आती है और कहती है, अभी मुझे और ड्रिंक करनी है। बेचारा असिस्टेंट हैरान। इधर डैड को भी सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए वो माफी मांगते हैं, और डैड को ये भी पता चल जाता है कि डॉक्टर उनका रियल बेटा है, पर वो मिस्टर क्याओ को भी अपना ही बेटा समझते हैं और कहते हैं, तू कानकन का अच्छे से ध्यान रखना, मैं अब भी तेरा बाप हूँ, समझा तू? मिस्टर क्याओ कहता है, डैड आप डॉक्टर को बुला लीजिए, वही कंपनी को संभाल लेगा, मैं कानकन टूटू और न्यू बेबी के साथ रहूंगा। डैड कहते हैं, एक और बेबी, और खुश हो जाते हैं। तभी मिस्टर क्याओ को फोन आता है और उसे पता चलता है कि असिस्टेंट को फिर से बेस्टी उठा कर ले गई। इधर हम देखते हैं बेस्टी असिस्टेंट को अपने रूम में लाके पटक देती है और उसे किस करने लगी थी, बट वो उसे रोक देता है। तो बेस्टी गुस्सा हो जाती है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं? वो कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम इतनी बड़ी डायरेक्टर हो और मैं सिर्फ असिस्टेंट, मेरी तो कोई फैमिली भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। तो बेस्टी उसे हक कर कहती है, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, हम दोनों एक दूसरे की फैमिली है। तो वो हाँ कर देता है। इधर मिस्टर क्याओ अपनी प्रेगनेंट वाइफ यानी कानकन का ध्यान रख रहा था, और फिर मिस्टर क्याओ कानकन टूटू और न्यू बेबी साथ में खुश रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।